नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर आज की हेडलाइन पर डाल देते हैं। कलेक्टर ने इंसिडेंट कमांडर्स को विवाह स्थलों के भ्रमण के दिए निर्देश। देवउठनी एकादशी आज, रहेगी सामूहिक धूम। मैरिज गार्डन में एक साथ 100 से ज्यादा मेहमान मिले तो 25,000 रुपए का जुर्माना और सीज हो सकता है गार्डन। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सुखाड़े यूनिवर्सिटी का अजीब निर्णय। सभी विषयों का री इवैल्यूएशन करेंगे लेकिन आरटीआई से प्राप्त कॉपी नहीं जांचेंगे। स्नैक केचर लक्ष्मीलाल का हुआ सम्मान। बादलों ने लगाया पारे की गिरावट पर ब्रेक, 1.7 डिग्री बढ़कर 9 पर पहुंचा लेकिन ठिठुरन भी। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने विवाह आयोजनों पर विशेष नजर रखने एवं कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना को लेकर नियुक्त इंसिडेंट कमांडर्स को विवाह स्थलों का नियमित भ्रमण कर जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने इन कमांडर्स को निर्देशित किया है कि विवाह आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित हो और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने एडीएम सिटी और सभी एसडीएम से विवाह आयोजनों की सूची दिनांक व स्थानवार मांगी है एवं उन्हें इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों को प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देशित किया है। देवउठनी एकादशी पर बुधवार से शुरू होने वाले सामों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की गाइडलाइन की पालना नहीं हुई तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि जिले में दीपावली के बाद लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जिले में 16 पॉजिटिव मिले। 1 से 13 नवंबर के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या कम थी लेकिन दीपावली के बाद से मरीज बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने शादियों में अतिथियों की संख्या 100 तक सीमित रखने, मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की सख्ती लागू कर दी है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सरकार की सख्ती को देखकर एसडीएम कार्यालयों से शादियों की अनुमति लेने के आवेदनों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि जिले में पिछले दिनों में 150 आवेदन ही आए हैं लेकिन शादियों की संख्या इनसे कई ज्यादा मानी जा रही है। अनुमान के मुताबिक जिले में 300 से ज्यादा शादियों का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए विवाह समारोह में बुधवार से 11 दिसंबर तक जिला प्रशासन की सख्ती रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर चलने के कारण सबसे अधिक परेशानी विवाह समारोह करने वाले परिवार वालों को हो रही है। उन्होंने पहले कोरोना का कहर कम होने से नियमानुसार 200 मेहमानों के हिसाब से बंदोबस्त किए थे लेकिन महामारी बढ़ने पर राज्य सरकार ने शादी में 100 मेहमानों की अनिवार्यता लागू कर दी। ऐसे में शादियों वालों को भोजन बैठक क्षमता से लेकर कैटरिंग तक में बदलाव करना पड़ रहा है। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना महामारी के चलते परीक्षा एवं पाठ्यक्रम में कटौती करने का भी निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉ. कुंजन आचार्य ने बताया कि अब 5 में से सिर्फ 4 यूनिट का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। परीक्षा में भी यूनिट सिस्टम खत्म करके अपनी पसंद के प्रश्न हल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना वेबसाइट पर जल्द अपलोड की जाएगी। अब यूजी और पीजी के सभी पेपर्स में पुनर्मूल्यांकन करवाया जा सकेगा। पहले सिर्फ 2 पेपर में ही यह सुविधा थी। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आरटीआई के आधार पर प्राप्त की गई कॉपी से किसी भी तरह की पुनर्मूल्यांकन की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। फॉरेंसिक साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यूजी और पीजी लेवल पर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस एवं माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, ज्योतिष एवं वास्तु विषय पर पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ बीए एडिशनल इन म्यूजिक शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सांपों को पकड़कर उनको उचित संरक्षण प्रदान करने वाले वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के वॉलंटियर्स ने कैचर लक्ष्मीलाल कमेटी को मंगलवार को राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय रेबारियों का गुड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि कलाविद विनय भाणावत ने लक्ष्मीलाल को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीलाल अब तक विभिन्न प्रजातियों के करीब 7,000 सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच नारायण लाल, उप सरपंच गोविंद रिवारी, विद्यालय की श्रीमती सरोज शक्तावत, चंद्र प्रकाश, जगदीश कमेटी आदि मौजूद थे। रात के पारे में गिरावट को तीसरे दिन मंगलवार को ब्रेक लग गया। बीते 24 घंटे के मुकाबले न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री बढ़त के साथ 9.0 डिग्री पर आ गया। अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री का इजाफा रहा। हालांकि इसके बावजूद शीतलहर के कारण ठिठुरन कम नहीं पड़ी। शहर में हल्के बादल छाए रहने के कारण तापमान में यह बढ़त देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात उदयपुर का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 27.6 डिग्री था, जबकि रात पारा 1.4 डिग्री गिरकर 8 डिग्री पर आ गया था। इसी के चलते सर्दी के तेवर भी तीखे हो गए थे। गत 18 नवंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम बना हुआ था। इस दौरान रात का तापमान 14.8 डिग्री से गिरते गिरते 23 नवंबर को 7.3 डिग्री पर आ पहुंचा था। 3 दिन से सर्दी का असर तेज होने से ऊनी कपड़ों की मांग एकदम बढ़ी है। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौर बताते हैं कि हल्के बादल छाने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बादल छटने पर तापमान में फिर कमी आएगी। दूसरी ओर विभाग के अनुसार 29 नवंबर तक उदयपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 13 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रह सकता है। अगले 5 दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।